हेलो एवरीवन मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ कैसे हैं आप सभी और ये सीरीज़ जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ माना अभी तीन दिन से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी जिस वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई और आज मैं जो है वो वीडियो आप लोगों का डाल रही हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं टू थाउजेंड के क्वेश्चन हैं जो कि टी और पीजीटी में पूछे गए हैं इसमें ग्रामर के क्वेश्चंस भी हैं और इसमें लिटरेचर के क्वेश्चंस भी हैं जब आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोगों को इन क्वेश्चन का लेवल बहुत ही सिंपल लगेगा ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालने का पर्पज़ ये है कि आप लोग इसे देख सकें कि पहले कैसे पेपर्स आते थे और अब कैसे पेपर्स आ रहे हैं हम लोग आप लोगों के लिए ये आ, एक प्रयास कर रहे हैं कि आपको बार बार अलग अलग जाकर ना देखना पड़े डिफरेंट ईयर्स के पेपर हम आपको सही आंसर्स के साथ ये पेपर्स यहीं पर प्रोवाइड करवा रहे हैं और लेकिन मैं ये नहीं कहती कि ये प्रीवियस पेपर्स आप लोगों के लिए बिल्कुल रामबाण का काम करेंगे क्योंकि अब तब में और अब में बहुत फ़र्क आ गया है अब लेवल बहुत हाई हो गया है और आगे जो ये पेपर होगा टू में उसका लेवल ऑब्वियसली अच्छा ही होगा तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग अपनी तैयारी करें ये आपकी केवल एक हेल्प के लिए है चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है वीनस एंड एडोनस किसके द्वारा लिखी गई है वीनस एंड एडोनस शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है ये लिखी गई है फिफ्टीन नाइन्टी से लेके नाइन्टी वन के आसपास लिखी गई है जब प्लेग की वजह से थिएटर्स बंद हो गए थे तब शेक्सपियर ने अपनी ये पोयम लिखी थी जिसे उन्होंने अपना फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन कहा है फ़र्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन किसे कहा है? 2016 के पेपर में पूछा गया है ये क्वेश्चन 2004 का है तो इसका आंसर है शेक्सपियर क्वेश्चन नंबर टू हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बॉर्न फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें से कौन सा व्यक्ति सबसे पहले पैदा हुआ है विलियम शेक्सपियर बिलोंग्स टू सिक्सटीन सेंचुरी जॉन मिल्टन बिलोंग्स टू सेवन सेंचुरी एंड टू नाइनटीन सेंचुरी तो टोटल नंबर ऑफ शेक्सपियर सोनेट इज शेक्सपियर के सोनेट्स कितने हैं शेक्सपियर के टोटल सोनेट्स हैं वन फिफ्टी फोर आई नो कि इन क्वेश्चन को देख कर आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो हमें बहुत अच्छे से आते हैं बिल्कुल सही बात है जो लोग काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चंस बिल्कुल हलवा हैं लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए एक स्टेप है कि इस स्टेप से बढ़ते हुए आपको जेनित पर पहुंचना है दिस इज जस्ट द बिगिनिंग पॉइंट द लैंग्वेज यूज बाय शेक्सपियर इन हीज ड्रामाज फॉर द मोस्ट पार्ट इज शेक्सपियर ने अपने uh, प्लेज में कौन सी ड्रामा के, uh, में लैंग्वेज कहें या कहें वर्ड्स फॉर्म कौन सी यूज़ करी है तो वो यूज़ करा है ब्लैंक ब्लैंकवर्स यूज़ करी है शेक्सपियर ने ब्लैंक ब्लैंकवर्स जिसमें राइम नहीं होती है लेकिन आइएबिक पेंटामीटर होता है तो ब्लैंक ब्लैंकवर्स यूज़ करी है नाउ लेट्स मे वॉन्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन शेक्सपियर सोनेट्स वन टू वन ट्वेंटी सिक्स जनरली शो आज री इन एक्शन ऑफ वन से वन ट्वेंटी सिक्स तक के सोनेट्स शेक्सपियर ने अपने पैटर्न अर्ल ऑफ साउथ एम्पटन डब्ल्यू एच हेनरी रोजले को डेडिकेट करे हैं और ये बताते हैं पर्सनल रिलेशनशिप विद अ यंग रिच पैटर्न द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट ऑफ वन से वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स तक जो सोनेट्स हैं वो एक फेयर यूथ को डेडिकेटेड हैं और ट्वेंटी वन ट्वेंटी सेवन से वन फिफ्टी फोर तक जो सोनेट्स हैं वो एक डार्क लेडी को हैं उनमें भी जो लास्ट के दो सोनेट्स हैं वो क्यूपिट को हैं तो इसमें ये जो डार्क लेडी है वो आती है शेक्सपियर के सोनेट्स में ये सारे टू थाउजेंड फोर टू थाउजेंड फाइव के क्वेश्चन हैं विच इज़ नॉट शेक्सपियर्स ड्रामा इनमें से कौन सा ड्रामा शेक्सपियर का नहीं है तो शेक्सपियर के टाइटस एंड उसकी पहली ट्रेजिडी है एडवर्ड द सेकेंड क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा है हैमलेट रिचर्ड थर्ड ये शेक्सपियर के हैं तो इसका आंसर है रिचर्ड सॉरी एडवर्ड द सेकेंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज एन एडाप्टेशन ऑफ अ लैटिन कॉमेडी कॉमेडी जो वर्ड है वो कॉमेडिया से लिया गया है और कॉमेडी को इन्वेंट करा था एडिस्टोफेंस ने और एक रोमन पोएट प्लेच्यूज ने कॉमेडी को थर्ड सेंचुरी बी सी थर्ड सेंचुरी बी सी में उसको डेवलप करा था तो जो एलिजाबेथन राइटर्स थे दे वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लेट्यूज़ तो ये जो कॉमेडी ऑफ एरर्स है ये एक लैटिन कॉमेडी मैनकेमी का अडेप्टशन है जो कि प्लेट्यूज ने लिखी है शेक्सपियर डेडिकेटेज यूथफुल पोएम्स वीनस एंड एडानस एंड ल्यूक्रीस टू रेप ऑफ द ल्यूक्रीस रेप ऑफ ल्यूक्रीज किसक और वीनस एंड एडानस किस को समर्पित करेंगे तो ये मैंने आपको बताया था अर्ल ऑफ साउथ एम्पटन जूलिया सीज़र फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन जूलिया सीज़र कब लिखा गया मतलब जूलिया सीज़र जब लिख रहा था शेक्सपियर तो कौन से उसने प्लेस जो हैं वो उस समय लिखे थे तो जूलियस सीज़र फॉल्स बिटवीन हिस्ट्रीज़ एंड ट्रैजडीज ग्लोब थिएटर में होने वाला पहला प्ले था जूलियस सीजर दैट वाज रिटर्न इन 1599 उस समय शेक्सपियर वर्क कर रहा था हिस्ट्रीज़ पे और ट्रेजडीज़ पे तो इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ ट्रेजडीज एंड हिस्ट्रीज नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ विलियम शेक्सपियर के पेरेंट्स का नाम था जॉन शेक्सपियर एंड मेरी आर्डन विलियम शेक्सपियर के फादर एक लवर थे और बेलिफ्त थे और उनकी मदर भी एक काफ़ी अच्छे जमींदार खानदान को बिलोंग करती थी तो इसका आंसर है जॉन शेक्सपियर एंड मेरी आर्डन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑथर्ड बाय विलियम शेक्सपियर हैमलेट ठेम्पस जूलियस सीजर शेक्सपियर के लिखे हुए हैं डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड शेक्सपियर का लिखा हुआ नहीं है तो इसका आंसर है डी द कॉमेडी ऑफ एरर इज रिटन बाय कॉमेडी ऑफ एरर किसने लिखा है तो इट इज़ रिटन बाय विलियम शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर हैज़ द सोब्रिके सोब्रिके का मतलब होता है टाइटल और निक नेम विलियम शेक्सपियर को जो टाइटल प्राप्त था वो था बार्ड ऑफ एवॉन विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन एवॉन नदी का नाम है तो बार्ड ऑफ एवॉन का टाइटल उन्हें दिया गया था तो इसका आंसर है आपका बी हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्ट राइटिंग फर्स्ट इसका आंसर नो डाउट विलियम शेक्सपियर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टोरल पोएम बाय मिल्टन इनमें से कौन सी पोएम एक पेस्टोरल पोएम है पेस्टोरल पोएम समझें तो पेस्टोरल पोएम वो होती है जिसमें जो कवि होता है वो अपने आप को एक शैफर्ड समझता है और साथ ही शेफर्ड के लिए ये पेस्टोरल एलिजी वैसे क्वेश्चन होना चाहिए था मगर इन्होंने पेस्टोरल पोएम कहा है तो आ, वैसे तो ये पैसारी ही पेस्टोरल पोएम्स हैं मगर मिल्टन के द्वारा जो लिखी गई पेस्टोरल पोएम है दैट इज़ लाइसिडास जो उसने अपने दोस्त एडवर्ड किंग की मृत्यु के पश्चात लिखा था और किंग की मृत्यु आयरिश सी में डूब जाने की वजह से हुई थी और उसमें वो उसको लाइसिडास जो कि माइथोलॉजिकल फ़िगर है वो मानता है और आ, उसकी याद में एक एलिजी उसने लिखी है Milton's poetry is a mirror on which the writer's character is very clearly reflected. अब इस क्वेश्चन को अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है एक्चुअली ये जो कामेंट है ये मैकमिलन मैगजीन में पैटिसन के द्वारा करा गया है तो अब इसमें दोनों ही ठीक हैं मैकमिलन भी और पैटिसन भी तो अब मैं अपनी तरह से इसमें कोई भी एक आंसर नहीं बता सकती क्योंकि मैकमिलन मैगजीन में पैटिसन के द्वारा ये कमेंट करा गया है तो दैट्स वाई द ऑप्शन्स आर करेक्ट द पीरियड नोन एज द एज ऑफ मिल्टन इज मिल्टन का पीरियड माना जाता है जब चार्ल्स वन गद्दी पर आया और जब रेस्टोरेशन यानी कि की पुनः स्थापित हुई तो दैट वॉज सिक्सटीन सिक्सटी तो सिक्सटीन टवेंटी फाइव से सिक्सटीन सिक्सटी का समय माना जाता है मिल्टन का पीरियड द एज ऑफ मिल्टन हैड थ्री काइंड ऑफ पोएट मिल्टन के समय तीन तरीके के पोएट्स थे मेटाफिज़िकल जॉन्डन uh, जिसका लीडर था केवेलियस जो कि चार्ल्स वन को uh, uh, प्रेज करने वाले हुआ करते थे एंड थर्ड वन प्योर जिसका लीडर था मिल्टन तो तीन तरीके के पोइट्स थे मेटाफिजिकल केवेलियस एंड प्यूरिटन पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटर्न बाय मिल्टन इन द फेज ऑफ हिज लाइफ पैराडाइज लॉस जो कि मिल्टन का एपिक है इंग्लिश का सबसे शानदार एपिक है मिल्टन ने इसे बारह किताबों में लिखा हालांकि ओरिजिनली ये दस किताबों में आया बाद में इसे 1674 में ट्वेल्व किताबों में ट्वेल्व बुक्स में डिवाइड किया गया ये मिल्टन ने लिखा है अपने जीवन के आखिरी फेज में तो इसलिए इसका आंसर है लास्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास्क रिटर्न बाय मिल्टन मिल्टन ने अपने होटन पीरियड यानी कि 1632 से 37 तक दो मास्क लिखे कॉमर्स एंड आर्केड्स जिसमें नाम यहां पर कॉमर्स का दिया हुआ है तो इसका आंसर है कॉमर्स इन विच पोएम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर सॉलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी ये लाइन्स हमें देखने को मिलती हैं मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में डी डॉक्ट्रीना क्रिस्टियाना डाउ कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ सबसे पहले हम बात करते हैं डी डॉक्ट्रीना क्रिस्टियाना ऑन क्रिस्टियन डॉक्ट्रीन एक्चुअली ये एक इनकम्प्लीट uh, वर्क है लिखा हुआ है लेटिन में बहुत लंबे समय तक तो यही नहीं पता था कि ये मिल्टन ने लिखा है इसे चार्ल्स uh, समनर uh, ने इसे ट्रांसलेट करा इंग्लिश में और इसको जो जब बाद में इसको पढ़ा गया तो इसमें मिल्टन ने अपनी ही फ़िलासफ़ी को कॉन्ट्रडिक्ट करा है और इसमें जो ऑर्थोडॉक्सी को जो कॉन्ट्रडिक्ट करा है जो ऑर्थोडॉक्सी पे डाउट कास्ट किया है वो किसकी पे करा है पैराडाइज रीगेन पे आई नो आपको बहुत जगह इसका आंसर पैराडाइज लॉस्ट मिलेगा इसीलिए ही मैं इन क्वेश्चंस के सही आंसर्स बता रही हूँ इसमें मिल्टन ने इसमें पैराडाइज रीगेंड पर अपना डाउट कास्ट किया है कॉमर्स जो जॉन मिल्टन ने लिखा है वो इट्स इन द फॉर्म ऑफ मास्क इसको बार बार क्या बताऊँ मगर ये 2004 फोर एंड फाइव के क्वेश्चन लिए हैं दैट्स वाई सम ऑफ द क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट भी हो रहे हैं मिल्टन वॉज अपॉइंटेड टू द पोजिशन ऑफ लेटिन सेक्रेटरी टू क्रामवेल्स गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क मिल्टन को क्रॉमवेल की गवर्नमेंट में लेटिन uh, सेक्रेटरी जो कि उस समय की बहुत बड़ी पोस्ट थी पर uh, आसीन किया गया था कब सिक्सटीन फोर्टी नाइन में क्यों करा गया था सिक्सटीन फोटी नाइन में चार्ल्स वन की की हत्या की गई थी और जनता के आक्रोश को uh, सबड्यू करने के लिए मिल्टन ने लिखा था द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट और इसी वजह से उसको ये पोस्ट मिली थी लेटिन सेक्रेटरी की द आंसर इज ऑन द दिन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट्स सैमसन एगनेस्टिस शो डिज़ायर सैमसन मिलस एक क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी है दो इज अ क्लासिक इज अ क्लोजेड ड्रामा ये एक क्लोज़ेड ड्रामा है मगर मिल्टन इससे क्या लाना चाहता था ग्रीक ट्रेजडी की कामनेस और डिग्निटी को वापस लाना चाहता था तो इसीलिए इसका आंसर है बी अलीग्रो एंड पेंसिरोसो मीन अलीग्रो मीन्स हैप्पी मैन एंड पेंसिरोसो मीन्स मेडिटेटिव या सोच में पड़ा हुआ व्यक्ति तो इसका आंसर है आपका सी द पैराडाइज लॉस्ट वॉज कम्प्लीटेड बाय पैराडाइज लॉस्ट कम्प्लीट तो सिक्सटीन सिक्सटी फाइव में ही हो गया था मगर दो साल पब्लिशर ढूंढने में लग गए और पब्लिश हुआ था सिक्सटीन सिक्सटी सेवन में जॉन मिल्टन मैग्निफिशेंट ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नॉज रिटर्न पोएट्स एज वॉर मिल्टन ने जब ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी लिखा था तो उस समय मिल्टन था इक्कीस साल का और ये उसी समय लिखा गया था पच्चीस दिसंबर को ही ये लिखा गया था हो ऑफ द फॉलोइंग बिकम ब्लाइंड इनमें अंधा हो गया था तो सिक्सटीन में जॉन मिल्टन कंप्लीटली ब्लाइंड हो गया था पेराडाइज रीगेंड जो कि एक ब्रीफ एपिक है चार किताबों में है उसको लिखा है मिल्टन ने पोइटिक जस्टिस वॉज अ टर्म क्वाइंट बाई पोइटिक जस्टिस का मीनिंग होता है बुरे के साथ बुरा और अच्छे के साथ अच्छा होना और ये टर्म क्विंट करा है टॉमस राइमर ने हीरो ड्रामा वॉज मेनली स्पेसिफिक टू रेस्टोरेशन के साथ यानी कि सोलह सौ साठ में जब मनार्की रिस्टोर हुई चार्ल्स सेकेंड आए तो उन्होंने सबसे पहले ड्राइडन को पोइट लॉरियट बनाया और उस समय की जो सबसे बड़ी खासियत थी वो थी हीरोइक ट्रैजडीज़ और हीरोइक ट्रैजडीज़ में जो हालांकि हीरोइक ट्रेजडी में आ, हीरो और हीरोइन जो हैं वो अपने आ, के, अपने प्यार के लिए आ, कुर्बान हो जाते हैं और इसके चैंपियन हैं मिस्टर ड्राइडन तो ये जो ट्रैजडीज़ थी हीरोइक ट्रैजडीज़ या हीरोइक ड्रामा ये आया था रेस्टोरेशन पीरियड में वन ऑफ द फॉलोइंग एन एपिस्टलरी नावल एपिस्टलरी नावल का मतलब होता है लेटर की फॉर्म में लिखा हुआ नावल तो ये नावल इनमें से कौन सा है पेमेला और वर्चुअ रिवॉर्डेड सेमुल रिचर्डसन के द्वारा लिखा हुआ पैमेला और वर्चू रिवॉर्डेड इज एन एपिस्टलरी नावल द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइट्रिक करियर वॉज फ्राम वर्ड्सवर्थ का पोइट्रिक करियर ने उड़ान भरी थी सेवनटीन नाइनटी सेवन से नाइन्टी एट में हालांकि ये सेवनटीन नाइन्टी एट ही कहना चाहिए क्योंकि उस समय रोमेंटिकज की शुरुआत भी मानी जाती है वर्ड्सवर्थ लिव फॉर फिफ्टी ईयर्स अमंग वर्ड्सवर्थ पचास साल रहा कम्बरलैंड डेल्समैन के बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाई वर्ड्सवर्थ इनमें से कौन सी पोएम वर्ट्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखी गई है तो वो है द मे क्वीन ये लिखी गई है टेनिसन के द्वारा वर्ड्सवर्थ लर्न दैट वर्ड्स मे बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ फ्रॉम वर्ट्सवर्थ ने ये वर्ड्स मे बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ किससे जो है ये आइडिया लिया तो ये है आपका रॉबर्ट बर्न्स द सोलिट्री रीपर इज अब आपको सॉलिट्री रीपर के कई वो जवाब मिलेंगे जगह जगह अलग अलग तो सॉलिट्री रीपर ओरिजिनली है क्या दैट्स अ लिरिक इट्स नॉट अ बैलेड इट्स अ लिरिक लिरिकल बैलेड वॉज रिटन बाय कॉलरेज एंड वर्ड्सव लिरिकल बैलेट चूंकि सेवनटीन नाइनटी एट में आया तेईस पोएम्स थी जिससे रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है चार पोएम कॉलरेज की उन्नीस पोएम वर्ड्सफ की तो ये लिखा गया है वर्ड्सवर्थ वर्ट्सवत कॉलरेज के द्वारा वर्ड्सवर्थ कंपोज सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम ड्यूरिंग द इयर्स वर्ड्सवर्थ ने अपनी फाइनेस्ट पोएम्स लिखी हैं 98, 99 में द एक्सकर्शन डेटेड 1814 मार्क्स द बिगनिंग ऑफ जब वर्ड्सवर्थ ने एक्सकर्शन लिखी 1814 में तो वो किस चीज़ को मार्क करती है आ, ये था डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक जीनियस वर्ट्सवत के पोइटिक जीनियस के डिक्लाइन को बताती हुई है एक्सकर्शन द दर्स लाइन्स मी आई शी मी मीयर्स एंड हम्बल एंड डेलीकेट फीयर्स वर इन रेफरेंस टू ये लाइन्स वर्ट्सवत ने कही है अपनी बहन डोरोथी वर्ट्सवत के लिए द प्रिल्यूड वॉज रिटर्न इन प्रिल्यूड वर्ट्सवत की प्रिल्यूड और द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड ये पोएम हालांकि इसकी पोस्टमसली पब्लिश हुई है अट्ठारह सौ पचास में चौदह किताबों में लेकिन ये कम्प्लीट हो गई थी अट्ठारह सौ पाँच में वायलेट बाय मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम आई इज़ अ कोट फ्रॉम अ वायलेट बाय मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम आई इज़ अ कोट फ्रॉम ये जो कोट है ये ली गई है वन ऑफ द लूसी पोएम्स में से तो इसका आंसर है लूसी पोएम्स वर्ड्सवर्थ पोयम्स मोस्टली डील विद वर्ट्स वत की जो पोएम्स हैं वो डील करती हैं रस्टिक लाइफ से हम्बल लाइफ से नेचर से तो इसका आंसर है आपका सी वर्ट्स बिफोर हिज डेथ रिजाइडेड एट अपनी मृत्यु से पहले रहता था राइडल माउंट में विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे क्या है इसके भी आपको अलग अलग आंसर्स मिलेंगे कोई इसे ड्रामेटिक मोनोलॉग बताएगा लेकिन ये एक ड्रामेटिक लिरिक है इन ऑफ द पोएम वॉज रिटर्न तो इसका आंसर अभी थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है तो प्रिल्यूड है द प्रिल्यूड बाय वर्ड्सवर्थ वॉज पार्ट ऑफ अ वास्ट वर्क विच वॉज टू बी कॉल्ड प्रिल्यूड एक्सकर्शन पार्ट थे किसके रेकलूज के द प्रिल्यूड इज अ वर्क ऑफ अब ऐसे क्वेश्चन का क्या जवाब दूँ आप एक बताओ अगर आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन क्या कर सकते हैं तो प्रिल्यूहूड इज अ वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सफर्थ हु फॉलोइंग इज द इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मेनी मूड्स विलियम वर्ड्सफर्थ अब ऐसे क्वेश्चन मत अब पता नहीं है भाई अब तो मुझे नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन आएंगे Who among the following is English romantic poet? That's William Wordsworth. In his quest for true significance of life on its simpler level, Wordsworth resembles. Um, in his quest for true significance of life on its simpler levels, Wordsworth resembles. The answer is George Crabb. जॉर्ज क्रैब इज़ द करेक्ट आंसर कि वर्ट्सवर्थ रिजेंबल्स जॉर्ज क्रैब विलियम वर्ट्सवर्थ वॉज इन सेवनटीन नाइनटी वन इन फ्रांस ही वॉज विटनेस टू द मिडल स्टेज विलियम वर्ट्सवर्थ जब फ्रांस गया था तो उस समय फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था जो कि सेवनटीन एटी नाइन में स्टार्ट हुआ था विलियम वर्ट्सवर्थ उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था और वो उसका विटनेस था फ्रेंच रेवोल्यूशन का ओरिजिनेटर एंड नेमर ऑफ डी कंस्ट्रक्शन इज डी कंस्ट्रक्शन का ओरिजिनेटर है जैक्स डेडिडा गॉल्सवर्दी का कंट्री हाउस क्या प्रेजेंट करता है गोल्सवर्दी का कंट्री हाउस जो वर्क है वो प्रेजेंट करता है अपर क्लास को गॉल्सवर्दी का मास्टरपीस क्या माना जाता है गोल्सवर्दी का मास्टरपीस माना जाता है द फॉरसाइट सागा जॉन गॉल्सवर्दी वॉज द सन ऑफ आर जॉन गॉल्सफर्दी किसका बेटा था जॉन गॉल्सवर्दी बेटा था एक लॉयर का गॉल्सवर्दी बिगैन हिज लिट्ररी करियर एक्चुअली गॉल्सवर्दी ने अपने करियर की शुरुआत करी थी फ्रॉम द फोर विंट्स नाम की एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन से और बाद में वो इतनी बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ था कि उन्होंने खुद ही यह कहा था कि इसे जला दो और मुझे रिलीव करो लेकिन बाद में आ, इस उसमें शॉर्ट स्टोरी राइटर है तो हम इसे कह सकते हैं बाद में उन्होंने नावल लिखी है तो इसलिए कह सकते हैं कि उन्होंने शुरुआत करी है अपने करियर की एज अ नावलिस्ट तो इसका आंसर है आपका सी एज अ नावलिस्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन क्लास जो इसका बहुत फेमस डायलॉग भी है लॉयल्टीज क्रिस क्रॉस ईच अदर क्लास के हर कोई अपने अपनी क्लास के प्रति ही पायस्ड है और वो उसी के आगे देखना ही नहीं चाहते ये हमें देखने को मिलता है लॉयल्टीज़ में गॉल्सवर्दी इज़ अ रियलिस्ट गॉल्सवर्दी एक रियलिस्ट थे बोथ माइन्यूट एंड डेलिकेट उनके जो वर्क्स होते थे वो बिल्कुल रियलिस्टिक वर्क्स होते थे तो इसलिए ही वॉज अ रियलिस्ट द लोअर क्लास वॉज रिप्रजेंटेड बाई गॉल्सवर्दीज गॉल्सवर्दी का वर्क है फ्रीटर्निटी जिसमें उन्होंने लोअर क्लास को दिखाया है स्ट्राइफ ड्रामेटाइज स्ट्राइफ जो गॉल्सवर्दी का प्ले है वो वर्कर्स और कैपिटलिस्ट um, के बीच में स्ट्राइक को बताता है और ये दिखाया है स्ट्राइफ़ में अ स्ट्राइक द फाइनेस्ट ऑफ गॉल्सवर्दीज लेटर ड्रामा इज़ गॉल्सवर्दी के फाइनर ड्रामाज में है दैट इज़ लॉयल्टीज़ ग्रैनविल बा वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन टू द इंग्लिश स्टेज ऑफ गर्ल्स वर्दीज फॉलोइंग प्लेस एक्सेप्टन आइडेंटिफाई दन आउट ये जस्टिस सिल्वरबॉक्स ट्राइव सब उन्होंने इंट्रोड्यूस करे हैं इंग्लिश स्टेज पे सिवाय लॉयल्टीज को छोड़ कर तो इसका आंसर है लॉयल्टीज अब ये ग्रामर के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं स्पॉट द एर फ्यू पीपल दैट uh, एक इसमें हमारी तरफ से टाइपिंग एरर है थोड़ा फ्यू पीपल नो आएगा फ्यू पीपल नो दैट द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज़ बेटर दैन अच्छा कभी भी किसी भी चीज़ को जब कंपेयर करते हैं तो कंपेरिजन करते समय uh, हम एज और देन के बाद दैट ऑफ या दोज ऑफ लगाते हैं द रीज़न बींग कि हम नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए दैट ऑफ एंड दोज ऑफ नाउन का यूज़ करते हैं तो अगर चीज सिंगुलर हो तो दैट ऑफ और प्लूरल हो तो दोज ऑफ अब हम कंपेयर कर रहे हैं क्लाइमेट को कंपेयर कर रहे हैं क्लाइमेट से तो हम यहाँ पे लगाएंगे देन दैट ऑफ श्रीनगर तो इसका आंसर है सी इट इज अनफॉर्चुनेट दैट मेनी यंगस्टर्स गेट एडिक्टेड टू गैम्बलिंग देखिए टू जो है वो यहाँ पर प्रेपोजिशन है प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन या जरन का प्रयोग किया जाता है नाउन प्रोनाउन है नहीं तो यहाँ पर आएगा गैम्बलिंग तो ये होगा आपका गैम्बलिंग तो इसका आंसर है आपका सी कैन आई लैंड योर पेंसिल फॉर अ मिनट प्लीज अब ऐसा ही क्वेश्चन उसमें बुक में भी दे रखा था आई डोंट नो वेदर अब इसमें हो सकता है उन पर टाइपिंग एरर हो एक तो इसमें योर आएगा और लैंड नहीं होता होता है बोरो किसी से आप उधार मांगते हैं तो इसमें मेरे हिसाब से तो दोनों में ही ये टाइपिंग एरर हो तो ए ही मान लेते हैं कैन आई बोरो योर पेंसिल फॉर मिनट प्लीज द कंडक्टर आस द पैसेंजर वाई हैड नॉट ही परचेज अ टिकट इसमें आपकी एरर है बी पार्ट में बी पार्ट में अब क्या एरर है जब कभी भी किसी सेंटेंस में इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में आता है तो ये आएगा वाई ही हैड नॉट परचेज अ टिकट नीलिमा हैज़ कोर्ड अ फर्स्ट क्लास इन हर फाइनल एग्ज़ाम्स इज एंड इट तो ये गलत है जब हम कभी भी क्वेश्चन uh, टैग लगाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब प्लस अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो एंटी प्लस उसके बाद जो होता है वो प्रोनाउन लगता है अब हमारा जो सेंटेंस है वो है नीलिमा हैज़ कोड तो पहले तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ आएगा सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है उसमें लगाएंगे हैज़ एंड नीलिमा के लिए लगा देंगे शी तो ये हो जाएगा हैज़ एंड शी तो यहाँ पर भी इसमें एरर है आपका सी पार्ट में अ लॉट ऑफ ट्रेवल डिले इस कॉज ड्यू टू इनफिशेंसी इन लैक ऑफ गुड मैनेजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ ऑन बिहाफ़ ऑफ़ का मतलब कि मतलब की तरफ से नहीं ऑन द पार्ट ऑफ यूज़ किया जाएगा तो यहाँ पर आप ऑन बिहाफ़ का यूज़ नहीं करेंगे हम यूज़ करेंगे ऑन द पार्ट ऑफ तो फिर सी है देख रहे सी 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 ये सी 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 ही आ रहे हैं इसमें The examination of the undergraduate students are likely to commence from। जब कोई चीज़ फ्यूचर में शुरू होने वाली होती है और उसके लिए कोई डे दिया जाता है तो कमेंट्स from नहीं लगाया जाता कमेंट्स ऑन लगाया जाता है फिर आ गया सी तो फ्रॉम की जगह होगा ऑन द प्रिंसिपल क्लेम दैट देयर वर लेस देन फिफ्टी स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द बिल्डिंग व्हेन इट कॉट फायर एक्चुअली लेस जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करते हैं और काउंटेबल नाउन प्लूरल नाउन के लिए यूज़ करते हैं फ्यूअर तो यहाँ आएगा आपका फ्यूअर uh, there were fewer देन फिफ्टी स्टूडेंट्स प्रजेंट इन द बिल्डिंग We have lived in this house ever since my father has died. इसका एक रूल होता है कि अगर आपका सिंस या एवर सिंस आ रहा है अगर सेंटेंस में सेंस या एवर सेंस आ रहा हो तो उसके पहले हैज़ हैव था प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है तो यहाँ हैज़ डाइड नहीं आएगा वो आपकी सेकंड फॉर्म है तो केवल डाइड का प्रयोग किया जाएगा तो इसका आंसर भी है सी ही एक्सप्लेन टू द government वाई द manufacturing ऑफ कार अब यहाँ देखिए कि इसमें आ रहा है एक्सप्लेन यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म फिर उसके बाद आ रहा है हैव तो पहले ही हमें गलती दिख गई कि भाई जब पूरा सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट ही फॉर्म आएगी वर्ब की दूसरी बात ये है कि पहले मैन्युफैक्चरिंग रुकेगी बाद में एक्सप्लेन करा जाएगा तो जो काम पहले हो जाता है उसके लिए लगाते हैं हम पास परफेक्ट तो इसलिए आएगा इसमें सी वाई द मैनुफैक्चरिंग ऑफ कार्स हैड बीन स्टॉप्ड या हैड स्टॉप्ड इन दिस न्यू इन हिज न्यू वाई द मैनुफैक्चरिंग ऑफ कार्स हैड स्टॉप्ड इन हिज न्यू फैक्ट्री ये ए, इनके एंटोनिम्स देखने के देखिए सेलिबेसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य यानी कि शादी ना करने की जो स्टेज होती है तो इसका उल्टा क्या होगा मेट्रीमोनी इसका आंसर होगा आपका मेट्रीमोनी एक्सटेसी का मतलब होता है बहुत खुश बहुत ही ज़्यादा खुश को बोला जाता है एक्स्टेसी परमानंद बहुत खुश तो इसका आंसर होगा आपका बहुत दुखी उल्टा एग्नी। एग्जोनरेट का मतलब होता है सजा से मुक्ति तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि सजा से मुक्ति होगी तो उसका उल्टा क्या होगा दैट विल बी अक्यूज तो इसका आंसर है आपका अक्यूज फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस सोच so, समझ के पैसे खर्च करने वाला तो इसका उल्टा होगा आपका लेविश अनबायस्ड का मतलब होता है पक्षपात से रहित तो इसका आंसर होगा आपका पक्षपात पूर्ण तो दैट विल बी प्रेजुडेज एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है शाह खर्ची खूब अच्छा शाह खर्च तो इसका आंसर होगा आपका दैट इज इकोनॉमिकल हाइब्रिड का मतलब होता है संकर मिक्स्ड संकर कहते हैं संकर वर्ण तो इसका आंसर होगा आपका प्योर ब्रेड दैट विल बी प्योर ब्रेड मेलाइन का मतलब होता है किसी चीज को खराब करना निंदा करना तो इसका आंसर होगा आपका प्रेज करना नॉमिनल का मतलब होता है बहुत कम आ, इसके अलावा इसका छिपा बहुत कम और ना दिखता हुआ तो इसका आंसर होगा आपका दैट विल बी रियल का मतलब होता है किसी चीज के, के, के तरफ झुकाव होना तो यहां पर हम इसको थ्रोन फॉरवर्ड इनक्रेडिबल इसकी स्पेलिंग जरा गड़बड़ है इनक्रेडिबल ए नहीं आएगा इसमें इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय अनबिलीवेबल तो इसका आंसर होगा आपका डी अनबिलीवेबल लेजिटिमेट का मतलब होता है बिल्कुल जो कि कानूनी रूप से सही होगा Uh, तो इसको हम आंसर देंगे दैट इज वैलिड स्किलफुल का मतलब होता है बहुत uh, किसी कला में दक्ष निपुण को बोला जाता है तो इसका आंसर होगा आपका अड्रॉइट डस्टर्ड मीन्स होता है कायर तो इसका सिनो होगा आपका कावर्ड चार्मिंग एंड विटी चार्मिंग एंड विटी का आंसर होगा आपका सिंटिलेटिंग चार्मिंग और विटी दैट इज नोन एज सिंटिलेटिंग स्कीमेटिक स्कीम से बना है ये वर्ड यानी कि जो बिल्कुल सिस्टमेटिक होगा तो दैट इज डायग्रामेटिक ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है इनमें दिखाने के द फर्स्ट वन इज मेकाबर इसका आंसर है आपका बी मेकाबर भयानक डरावना ओकेशन इसका आंसर है आपका दैट इज ए Accommodate, that is D. Besiege, that is C. Dilemma, the answer is B. Corroborate, the answer is D. Disappear, the answer is A. Hemorrhage, आंसर इज बी आई होप कि आपको ये सीरीज़ जो है वो सही अच्छी लग रही है और ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था कि दिस विल हेल्प यू आउट कि बस आपको एक आउटलाइन बनाने में ये मदद करेंगे आपको जगह जगह से ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी Uh, कि भाई अब ये कौन से टू थाउजेंड फोर के हैं या टू थाउजेंड फाइव के हैं वो मैं आप लोगों को बना के दे रही हूँ और uh, इन क्वेश्चन से शुरू कीजिए और उसके बाद इनका लेवल जो है वो बढ़ाते जाइए थैंक यू वेरी मच मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में